दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मेमोरी की, जो कि लियाम नीसन की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में लंदन शहर में एक गाड़ी आगे बढ़ती है, जिसमें वो गाड़ी एक हॉस्पिटल की पार्किंग में आती है, और वहीं पर हमें एलेक्स नज़र आता है जो कि अपना सामान लेता है और वो आगे बढ़ता है, और वहीं पर एक गुंडा अपने साथी के साथ कुछ फूल लेकर आगे बढ़ता है, और वो लोग होटल में एक रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, और वहाँ से वो गुंडा उसकी माँ के पास जाने निकलता है, और वो उसके कमरे में आता है जिसमें वहाँ एलेक्स भी होता है, और वहाँ वो गुंडा एलेक्स को बाहर जाने कहता है, और फिर वो अपनी माँ से मिलता है, और वहीं पर पीछे से एलेक्स उसे पकड़ लेता है और वो उसका गला घोट कर उसे मार देता है, और फिर एलेक्स वहाँ से निकलता है और वो नीचे अपनी कार में आता है। असल में एलेक्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है और वो उसका काम खत्म हुआ ये चीज़ अपने बॉस को बताता है, और वहीं पर वो क्या कर रहा था ये चीज़ वो भूल जाता है, जिसमें वो अपनी गाड़ी की चाबी ऊपर रख कर आया होता है। असल में उसकी उम्र बढ़ रही होती है और इसी वजह से उसे अल्जाइमर की बीमारी भी होती है। दूसरी तरफ टेक्सास शहर में हमें माया नाम की 14 साल की एक लड़की पेंटिंग करती हुई नजर आती है, और उसके पीछे विंसेंट नाम का एक आदमी बिग डैडी नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसमें बिग डैडी उसे बताता है कि उसे विंसेंट जैसे डेली काफ़ी लोग मिलते हैं, और फिर वो उसे माया के साथ कमरे में जाने कहता है, और वहाँ विंसेंट उसे पैसे देता है, और फिर वो आगे बढ़ता है, और फिर वहाँ बिग डैडी माया को उसके साथ जाने कहते हैं, जिसमें माया और विंसेंट बात करते हैं, और वहाँ विंसेंट उसे पेंटिंग दिखाने कहते हैं, और तब माया विंसेंट को लेकर रूम में आ जाती है, और वो विंसेंट के कपड़े निकालने जाती है, जिसमें विंसेंट को बातें करनी होती है, और वहीं पर माया को वो उसके बारे में वो पूछता है, और वहाँ माया विंसेंट के शर्ट के नीचे माइक्रोफोन देख लेती है और वो चिल्लाती है, और तभी बाहर से पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, जिसमें बिग डैडी और विंसेंट लड़ते हैं, और वहाँ बिग डैडी माया को पकड़ लेता है, और वहाँ पुलिस वाले अंदर आते हैं जिसमें वो लोग FBI वाले होते हैं, और वहाँ विंसेंट माया को छोड़ देने कहते हैं, जिसमें वहाँ बिग डैडी विंसेंट को धमकाता है, और तब विंसेंट उसे पकड़ कर वहाँ से कूद पड़ता है, जिसमें बिग डैडी और वो दोनों खिड़की से नीचे गिरते हैं, और वहीं पर बिग डैडी मारा जाता है। कुछ देर बाद पूरी टीम आती है, और वहाँ विंसेंट से आकर उसका बॉस गेरार्ड मिलता है, जिसमें वो वहाँ बिग डैडी की लाश देखता है, और फिर वो विंसेंट को उसके बारे में पूछता है, जिसमें विंसेंट बताता है कि वो लोग यहाँ पर सेक्स ट्रैफिकिंग चला रहे थे, और वहाँ गेरार्ड उसके मरने से खुश नहीं होता, जिसमें विंसेंट अपना काम खत्म कर नहीं पाया ये वो बताता है, और वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ से ऑफिसर्स माया को लेकर जा रहे होते हैं, जिसमें विंसेंट उसे देखता है। अगले दिन मेक्सिको में एक जगह पर एलेक्स आकर अपने दोस्त सैम से मिलता है, जिसमें वो दोनों खुश होते हैं, और वहाँ सैम की बेटी को भी एलेक्स देखकर खुश होता है, और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें सैम एलेक्स की तारीफ करता है, और वहाँ एलेक्स बताता है कि वो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़ रहा है, जिसमें सैम के पास उसके लिए काम होता है, और वहाँ एलेक्स उस काम को करने से मना करता है, और तब सैम उसे ये आखिरी काम करने कहता है, जिसमें एलेक्स मान जाता है। कुछ दिनों के बाद टेक्सास शहर में एलेक्स आगे बढ़ता है, और फिर वो एक घर के पास आता है जो कि उसी का होता है, और वो बचपन में वहीं पर रहता था, और फिर एलेक्स एक होटल में आता है, और वहाँ वो एक रूम लेता है, और वहाँ से एलेक्स रूम में आता है, और फिर वो अपने अल्जाइमर की दवाई लेता है, जिसमें एलेक्स को अब चीज़ें याद नहीं रहती, और इसी वजह से वो सभी चीज़ें अपने हाथ पर गजनी की तरह लिखने लगा होता है। और फिर एलेक्स नीचे क्लब में आता है, जिसमें वहाँ एक लड़की एलेक्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और फिर एलेक्स को मिलने एक आदमी आता है, तब एलेक्स वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ एलेक्स को मिलने के लिए जोसेफ नाम का एक आदमी आया होता है, और एलेक्स उससे आकर मिलते हैं, जिसमें जोसेफ को उसके बॉस का फ़ोन आता है, और वहाँ एलेक्स उसका काम खत्म कर देगा ये वो बताता है, और फिर वो एलेक्स को एक सूटकेस देता है, और वहाँ एलेक्स को सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी ये वो बोलता है, और तब एलेक्स वहाँ से निकलता है, और फिर एलेक्स अपने रूम में आकर उस सूटकेस में से टैब निकालकर उसमें से अपने दो शिकार को देखते हैं, जिसमें एक मार्क नाम का आदमी होता है और दूसरी माया होती है, उन दोनों की उसे तस्वीरें मिलती हैं। और फिर शहर की दूसरी तरफ हमें अनऑथराइज इमिग्रेंट्स की गवर्नमेंट के रखने की जगह पर विंसेंट आगे बढ़ते हुए नज़र आता है, जिसमें वो वहाँ पर माया को देखता है, और फिर वो उससे बात करता है,
जिसमें माया को लगता है कि विंसेंट ने बिग डैडी को मार डाला और इसी वजह से वो फंसी हुई है। और वहाँ विंसेंट बताता है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, जिसमें माया को उससे बात नहीं करनी होती। और वहाँ विंसेंट उसकी मदद करेगा ये बताता है, जिसमें वो उसे अपने साथ रख सकता है ये बोलता है। और फिर शहर में हमें मार्क नज़र आता है, जिसमें वो अपने घर पर अपने काम में लगा होता है। और वहीं पर उसकी पत्नी ग्वेन उसे बुलाती है, जिसमें वहाँ मार्क अपने काम में थोड़ा सा बिजी होता है। और कुछ देर के बाद वो बाहर जाएगा ये बोलता है। और वहाँ पर ग्वेन बोलती है कि उसके शरीर से किसी दूसरी लड़की के और परफ्यूम की स्मेल आ रही है, और वो उसे शर्ट उतार कर जाने कहती है, जिसमें मार्क इस चीज़ से चौंक जाता है। कुछ देर बाद मार्क वहाँ से निकलने जाता है, और वहीं पर घर में एलेक्स आ जाता है और वो मार्क को पकड़ लेता है, जिसमें मार्क उसे अपने साथ आने कहता है। और वहाँ पर वो अपने घर की तिजोरी खोलकर उसमें से दो पेन ड्राइव्स एलेक्स को देता है। और वहीं पर ग्वेन आती है, जो कि बाहर जा रही है ये बताती है। और वहाँ एलेक्स ने मार्क का गला पकड़ा होता है, जिसमें वो थोड़ा ज़ोर से दबाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और तब एलेक्स वहाँ से पेन ड्राइव्स लेकर निकलता है। और फिर कार में आकर वो माया की तस्वीरें देखता है। अगले दिन हमें ध्वनि भानुशाली यानी कि सारा और विंसेंट नज़र आते हैं, जिसमें दोनों साथी होते हैं। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, और फिर वो लोग क्राइम सीन पर आकर मार्क को देखते हैं। और फिर वो लोग ग्वेन से मिलते हैं, जिसमें वहाँ गेराल्ट भी होता है, और वो विंसेंट के काम की तारीफ करता है। और वहाँ ग्वेन बताती है कि घर पर चोरी हुई है और उसी चोर ने मार्क को मार दिया, जिसमें वहाँ विंसेंट उसे इस बारे में पता लगा लेगा ये बोलता है। और फिर वहीं पर हमें एक दूसरा ऑफिसर डैनी भी नज़र आता है, और वहाँ वो लोग ग्वेन से बात करते हैं, जिसमें ग्वेन को मार्क के किसी औरत के साथ अफेयर होने के बारे में शक होता है और वो काफ़ी दुखी होती है। अगले दिन हमें विंसेंट और सारा उनके नए साथी ह्यूगो के साथ नजर आते हैं, जो कि अनऑफिशियली उनके साथ काम कर रहा होता है। और वहाँ गेराल्ट उन लोगों को इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने कहता है, जिसमें ह्यूगो हाँ बोलता है, और तब गेराल्ट वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ एलेक्स वहाँ से विंसेंट का पीछा करता है, जिसमें विंसेंट एक कार में माया को लेकर अपनी एक दोस्त के घर पर आता है, जिसमें एलेक्स उसकी तस्वीर देखकर कंफर्म कर लेता है। और फिर विंसेंट उस घर में माया को अपनी दोस्त सैवी के साथ छोड़ता है, और फिर दोनों बाहर आते हैं, जिसमें सैवी को विंसेंट माया के बारे में बताता है। और फिर वो विंसेंट माया के पास आता है, और वहाँ माया इस बार विंसेंट को अपनी तस्वीर दिखाती है, जो कि विंसेंट को काफ़ी पसंद आती है, और वो बहुत ही जल्दी उसे यहाँ से लेकर जाएगा ये बोलता है। और फिर रात को एलेक्स तैयार होता है और वो उस घर में घुसता है, और वो माया के बेडरूम में आता है, जिसमें वो देखता है कि माया एक छोटी सी लड़की है, और तब वो उसे छोड़ देने कहती है। और तब एलेक्स उसे देखकर काफ़ी डर जाता है, और वहाँ से भागकर वो अपनी कार में आ जाता है। दूसरे दिन हमें जोसेफ नज़र आता है, जो कि एक घर में घुसता है, और वहाँ उसे एलेक्स भी मिलता है, और वो उसे पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि मैं छोटी बच्चियों को नहीं मारता, जिसमें जोसेफ उसे धमकाता है। वहाँ एलेक्स उसे मारता है, और अगर किसी ने भी उस लड़की के करीब भी जाने की कोशिश की तो वो एलेक्स उसे मार देगा ये बोलता है। और फिर वो जोसेफ के पर्स से उसकी पूरी जानकारी लेता है, और अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार देगा ये बोलकर वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जेनी नाम की एक औरत नज़र आती है, जो कि काफ़ी अमीर होती है, और वो एक संस्था में काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देती है, जिसमें वो समाज सेविका भी होती है। और फिर जेनी अपनी ऑफिस में आती है, और वो अपने काम में लग जाती है। और वहीं पर उसे जोसेफ का फ़ोन आता है, और वो बताता है कि एलेक्स ने उसका काम ख़त्म नहीं किया, और वो उसे मारने की धमकी दे रहा है। और तब जेनी इस पूरी चीज़ को संभाल लेगी ये बताती है। और फिर एलेक्स होटल में दिखते हैं, जिसमें एक आदमी मोनिका नाम की लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। और वहीं पर एलेक्स आकर उसे रोकता है, और वो उसे जाने कहता है, जिसमें वो आदमी मना करता है, और तब एलेक्स उसे मारता है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर एलेक्स के पास मोनिका आती है, और वो उसे फ्लर्ट करने लगती है, जिसमें एलेक्स भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ह्यूगो और सारा पार्टी करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो दोनों विंसेंट के लिए दुखी होते हैं, और वो कैसे भी सेक्स ट्रैफिकिंग के गुनहगारों को सजा दिलाना चाहता है ये सारा बताती है। और ह्यूगो को उन माफियाज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, और वो पहले भी उन लोगों के साथ अंडरकवर काम कर चुका है ये बताता है, जिसमें उसने दो माफिया को ख़त्म किए ये वो बोलता है, लेकिन वो लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं। और फिर रात को एलेक्स को काफ़ी डरावने सपने आते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसने माया को मार दिया, और तब वो उठ जाता है, और वो उसे मोनिका संभालती है, जिसमें एलेक्स उसे भूल चुका होता है।
दूसरी तरफ हमें विंसेंट अपने दोस्त के घर पर आते हुए नजर आता है, जिसमें किसी ने माया को मार दिया होता है और वहाँ उस जगह की जांच हो रही होती है, जिसमें इस चीज़ से विंसेंट भड़का हुआ बाहर आता है। और फिर एलेक्स होटल से निकल रहा होता है और वो मोनिका को फिर से कभी भी नहीं मिलेगा ये बताता है। और वहीं पर न्यूज़ में एलेक्स माया की मौत के बारे में देखता है और इस चीज़ से वो काफ़ी डर जाता है। और वो क्या कल पूरी रात यहीं पर था, ये मोनिका को एलेक्स पूछता है, जिसमें मोनिका हाँ बोलती है। और तब एलेक्स उसे भी यहाँ से निकल कर कहीं पर छुप जाने कहता है। और फिर एलेक्स नीचे आता है, जिसमें वो पार्किंग में आकर सभी चीज़ें देखता है और भागकर वो अपनी कार के पास आता है और वो कार के नीचे देखता है, जिसमें वहाँ एक बॉम्ब होता है। और फिर एलेक्स आसपास देखता है, जिसमें एक आदमी उस पर हमला करता है। और वहीं पर मोनिका एलेक्स को उसकी पिल्स देने आती है, जिसमें मोनिका को गोली लगती है। और वहाँ एलेक्स उसे लेकर साइड में आता है, जिसमें वो वहीं पर मारी जाती है। और तब एलेक्स काफ़ी भड़क जाता है और वो उस कातिल पर हमला कर देता है और वो आगे बढ़ता है। और वहाँ वो आदमी भागने जाता है, जिसमें एलेक्स उसे पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारता है। कुछ देर बाद वो मोनिका की लाश को उसकी कार में रख देता है और वहाँ उस आदमी को एलेक्स ने अपनी कार में बांध दिया होता है। और फिर वो उसके बॉस के बारे में पूछता है और वो मारा जाएगा ये वो किलर बताता है। तब एलेक्स वहाँ से निकलता है और वो उस कार के बॉम्ब को ही उड़ा देता है। कुछ देर बाद विंसेंट एक जगह पर आता है, जिसमें वहाँ उसे डैनी मिलता है और वो होटल की पार्किंग में हुए एक किलर और उसकी कार में मिली हुई लाश मोनिका के बारे में उसे बताता है। और वहाँ विंसेंट उनकी फोटोज देखता है, जिसमें कार की कोई भी डिटेल नहीं मिलती। और फिर वहाँ विंसेंट को कोई दवाई की फ़ोटो दिखती है, तब वो डैनी को उसके बारे में पता लगाने कहता है और वो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ हमें जोसेफ नज़र आता है, जो कि जिम में कार्डियो कर रहा होता है। और वहीं पर उसके सामने से एलेक्स आता है और उसे मार देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, जिसमें वहाँ से एलेक्स अपने खाली घर में आता है और वो अंदर आकर उसे देखता है, जिसमें वो काफ़ी गंदा होता है। और फिर एलेक्स वहाँ से नीचे तहखाने में आता है और वहीं पर वो सब चीज़ें साफ करके एक जगह पर पेन ड्राइव्स निकालता है और उन्हें लैपटॉप में लगाता है, जिसमें उसे सबसे पहले जेनी और जोसेफ की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उसने एलेक्स को कॉन्ट्रैक्ट देने कहा था। और फिर एलेक्स को पता चल जाता है कि जेनी को मार्क रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल कर रहा होगा, लेकिन जेनी मार्क और माया को क्यों मरवाना चाहती है ये चीज़ उसे नहीं समझती। और फिर दूसरी पेन ड्राइव में एलेक्स को जेनी की और चैड की तस्वीरें मिलती हैं और फिर उसे एक फ़ोटो में चैड, बिग डैडी और माया साथ में दिखते हैं। और फिर एलेक्स आखिरी पेन ड्राइव देखता है, जिसमें वहाँ उसे चैड ने माया के साथ जबरदस्ती की थी ये वीडियो देखने मिलते हैं। और इस वीडियो को बाहर लाने के बहाने ही मार्क जेनी से पैसे मांग रहा था ये एलेक्स समझ जाता है। और इसी वजह से जेनी ने एलेक्स के थ्रू माया और मार्क दोनों को मरवाने का ट्राई किया था और फिर उसने एलेक्स को भी मरवाने का ट्राई किया है। और इस चीज़ से एलेक्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर भड़क जाता है। और फिर हमें विंसेंट की टीम जिम में आकर जोसेफ को देखते हुए नजर आती है और वहाँ डैनी उसके बारे में बताकर निकल जाता है, जिसमें उन लोगों को ये मौत के सिलसिले में कोई कनेक्शन नहीं मिलता। और वहीं पर गेराल्ड आता है, जिसमें वहाँ जोसेफ के वो बारे में पूछता है। और वहाँ विंसेंट को शक होता है कि इन सभी मर्डर्स का कुछ तो कनेक्शन है और ये सारे मर्डर्स माया की मौत से जुड़े हुए हैं, ऐसा उसे लगता है, जिसमें वो इस केस की तह तक जाएगा ये बताता है, जिसमें गेराल्ट उसे जो भी करना है जल्द से जल्द करने कहता है। और फिर डैनी आकर विंसेंट से मिलता है और वो उसे बताता है कि उन लोगों को मिली हुई दवाई अल्जाइमर की दवाई थी। और फिर वो लोग जोसेफ की पत्नी गेमा से मिलते हैं, जिसमें वो उसकी मौत के लिए दुखी है ये बताते हैं। और वो लोग जोसेफ के बारे में पूछते हैं, जिसमें वहाँ गेमा को वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था ये चीज़ पता होती है। और वहाँ जोसेफ किस कंपनी में काम कर रहा था ये वो लोग पूछते हैं, जिसमें वहाँ गेमा उन्हें बताती है कि वो जोसेफ के बिजनेस में दखल नहीं देती थी, लेकिन उसने मैक्सिको में किसी लड़के के बारे में सुना था जिसने कोई काफ़ी बुरी चीज़ की थी और इसी वजह से जोसेफ परेशान था। और तब ऑफिसर्स वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चैड आकर जेनी से मिलता है और वहाँ जोसेफ मर चुका है ये वो बताता है। और वहाँ जेनी उसे बोलती है कि उसे शांत होना होगा और वो उसे शहर छोड़ देने कहती है, जिसमें चैड हाँ बोलता है और वो कल ही एक पार्टी के बाद निकल जाएगा ये बताता है, जिसमें जेनी उसे संभालती है। और फिर विंसेंट को सारा आकर सपोर्ट देती है और वो बताती है कि माया और मोनिका का मर्डर एक ही पिस्तौल से हुआ है,
लेकिन जोसेफ अलग पिस्तौल से मारा गया है जिसमें दो शूटर्स हैं। और फिर वहाँ विंसेंट को एक फ़ोन आता है जिसमें उसकी बात एलेक्स से होती है, और वहाँ विंसेंट उसके बारे में पूछता है कि उसने माया को बचाने का ट्राई क्यों किया था, जिसमें विंसेंट उसकी परवाह करता था ये बताता है। और फिर वहाँ एलेक्स बताता है कि माया को कार में मारने वाले किलर ने ही मारा था, और वो लोग काफ़ी अमीर लोगों के लिए काम करते हैं जिसमें वो लोग कभी भी उन्हें सज़ा नहीं दिला पाएंगे, जिसमें विंसेंट चौंक जाता है। और वहाँ एलेक्स माया के बारे में पूछता है जिसमें विंसेंट को उसकी परवाह थी और वो उसके कातिल को ढूंढना चाहता है ये बोलते हैं। और तब एलेक्स अगर वो उन लोगों को सज़ा नहीं दिला पाया तो विंसेंट को उन लोगों को सज़ा दिलाने कहता है। और वहीं पर एलेक्स को विंसेंट पुलिस स्टेशन के सामने दिख जाता है, तब वो वहाँ से भागता है और नीचे आता है, लेकिन तब तक एलेक्स वहाँ से गायब हो चुका होता है। और वहाँ माया को मारने वाले लोग काफ़ी अमीर है एलेक्स ने विंसेंट को बताया होता है, और वो इस बारे में सोचता है। और वहाँ विंसेंट एलेक्स अब उन लोगों को मारेगा ये वो समझ जाता है। और फिर विंसेंट अपने ऑफिस में आकर एलेक्स की बातों के बारे में सोचता है, जिसमें वहाँ योगो बताता है कि उसे मैक्सिको वाले लड़के के बारे में नहीं पता चला। और वहीं पर सारा ऑनलाइन पता लगाती है कि जोसेफ चैड के लिए काम करता था, और चैड की काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है और यही उन लोगों का कनेक्शन है, और अगला हमला चैड पर होएगा ये विंसेंट बताता है। और फिर रात को क्लब में पार्टी चल रही होती है, और वहाँ सारा भी अंडरकवर पहुँच जाती है जिसमें उसे चैट दिखता है, और वहाँ बाहर से विंसेंट की उन लोगों पर नज़र होती है। और फिर पार्टी में ह्यूगो भी आता है और वो सारा से बात करता है, जिसमें उन लोगों को चैट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और फिर चैट नीचे एक लड़की को लेकर वहाँ से रूम की तरफ बढ़ता है, जिसमें विंसेंट इस चीज़ को देखता है और वो भी अंदर आने लगता है। और फिर अंदर वो लड़की बेड बनाती है और वो वॉशरूम में आती है, जिसमें वहाँ एलेक्स उसे पकड़ लेता है और वो उसे शांत होने कहता है। और फिर एलेक्स बाहर आकर देखता है जिसमें चैड नंगा बेड पर सोया होता है, तब एलेक्स उसे वहीं पर मार देता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर विंसेंट पहुँचता है और वो चैड की लाश को देखता है। और फिर वो बाहर आकर देखता है जिसमें वहाँ एलेक्स उसे भागते हुए दिखता है, तब विंसेंट नीचे आता है और वो आगे बढ़ता है, जिसमें एलेक्स उसे वहीं पर पकड़ लेता है। और वहाँ एलेक्स अपने बारे में बताता है, और फिर वहाँ एलेक्स बोलता है कि चैड ने माया के साथ काफ़ी बुरी तरह से रेप किया था, और वहाँ विंसेंट उसे शांत होने कहता है, जिसमें वहाँ ह्यूगो भी आता है। और वहाँ एलेक्स विंसेंट को छोड़कर सच्चाई पता लगाने कहता है, और वहाँ से वो कार में भागता है जिसमें ह्यूगो उस पर गोलियाँ चलाता है। और फिर एलेक्स एक जगह पर अपनी कार से बाहर निकलता है जिसमें वो घायल होता है, और वहीं पर फिर से उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, और फिर वो एक कार चुराता है और वहाँ से वो निकलता है। दूसरी तरफ विंसेंट आकर गेरार्ड से मिलता है, जिसमें वो बताता है कि जेनी उन लोगों पर भड़की हुई है क्योंकि वो लोग वहीं पर थे लेकिन वो लोग चैड को बचा नहीं पाए। और वहाँ विंसेंट बताता है कि एलेक्स पहले से बोट में ही था और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और वो जेनी से किसी तरह का बदला लेना चाहता है ऐसा उसे लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स एक जगह पर बेहोश होता है, और वहीं पर ऑफिसर आकर उसे देखता है और वो एलेक्स को उठाता है, और वहां ऑफिसर एलेक्स के पास गन देखता है, तब एलेक्स उसे डरकर गोली मार देता है। और फिर वो वहां से भागता है और वो अपने घर के नीचे तहखाने में आता है, और फिर एलेक्स अपना सामान निकालता है और वो अपने जख्मों को देखता है और उस पर दारू छिड़कता है, और फिर वो अपने घाव को जलाता है जिससे उसका जहर ना फैले, और इस चीज़ से उसे काफ़ी तकलीफ होती है, और वहीं पर एलेक्स सो जाता है। दूसरी तरफ सारा आकर विंसेंट को बताती है कि एक पुलिस वाले को गोली लगी है जिसमें उसने एलेक्स को घायल हालत में देखा था। और वहाँ विंसेंट बताता है कि एलेक्स चाहे तो किसी को भी मार सकता है, और शायद उसने डरकर गोली चलाती होगी, और अब वो जेनी के पीछे ही जाएगा ऐसा उसे लगता है। और वहाँ सारा ने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली होती है, जिसमें वो एक छोटे बच्चे की जानकारी दिखाती है जिसमें वो बचपन से चोरियाँ करता था और उसके पिता उन लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते थे ये सारा बताती है, लेकिन वो एक तालाब में डूबकर मर चुका था ऐसा उन्हें रिकॉर्ड में मिलता है, और इसी वजह से उन लोगों के पास कोई दूसरी जानकारी नहीं होती। अगले दिन वो तीनों इस बारे में बात करते हैं, और वहीं पर उन लोगों को एलेक्स को ढूंढना होता है, और वहाँ सारा को एलेक्स के घर के बारे में पता चलता है। और तब रात को वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जिसमें वो लोग उसके घर में घुसते हैं, और वो लोग पूरी घर को तलाशते हैं, और फिर वो लोग नीचे तहखाने में आते हैं, और वहाँ उन लोगों को काफ़ी सारा सामान मिलता है जिसमें उन लोगों को समझ जाता है कि एलेक्स वहीं पर था।
दूसरी तरफ हमें एलेक्स एक अलग ही जगह पर नजर आता है और फिर जैनी की सुरक्षा के लिए वहाँ डैनी अपने ऑफिसर्स के साथ दिखता है और उनकी नज़र हर चीज़ पर होती है। और अचानक से नीचे पुलिस की काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं और तब सारे ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं और तब दूसरी तरफ से एलेक्स अंदर घुसता है और वो ऑफिसर्स को मारने लगता है और फिर एक लिफ्ट में से वो एक ऑफिसर को लेकर ऊपर आता है और वहाँ सभी लोग इसी वजह से बंदूक नीचे रखते हैं और फिर एलेक्स वहाँ से भागता है और वो ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसमें अंदर डैनी जेनी को एक रूम में ही छुप जाने कहता है और फिर बाहर से एलेक्स सबको मार रहा होता है और वो वहाँ की लाइट बंद करवा देता है और फिर एलेक्स बालकनी में से आगे बढ़ता है, जिसमें सब ऑफिसर्स एलेक्स को ढूंढने लगते हैं और वहाँ डैनी उसे देखते ही मार देने का ऑर्डर देता है और फिर डैनी जेनी को लेने आता है और वहीं पर एक खिड़की से एलेक्स अंदर आता है और वो डैनी को मारकर बेहोश कर देता है और फिर एलेक्स जेनी को मारने जाता है, जिसमें वहाँ जेनी उसे पूछती है कि क्या तुमने चैड को मारा, जिसमें एलेक्स हाँ बोलता है और वहाँ उसकी गोलियाँ ख़त्म हो जाती है और पीछे से डैनी उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ दो पेनड्राइव विंसेंट को एलेक्स के घर पर मिलती है और फिर जेल में डैनी एलेक्स को मारने लगता है, जिसमें वो उसे काफ़ी तड़पाएगा ये बोलता है और वहाँ एलेक्स को विंसेंट से बात करनी है ये वो बोलता है, जिसमें डैनी उसे मारने लगता है। अगले दिन विंसेंट उन वीडियोस को देखता है जिसमें उसे चैड और माया के वीडियोस देखने मिलते हैं और इस चीज़ से वो लोग काफ़ी दुखी होते हैं और फिर ये वीडियोस विंसेंट गेराल्ट को दिखाता है, जिसमें विंसेंट को इस बारे में एलेक्स से बात करनी होगी ये गेराल्ट बताता है और विंसेंट इस मामले में डैनी से बात करेगा ये वो बोलता है और फिर वहाँ से वो हॉस्पिटल में आते हैं, जिसमें वहाँ पर घायल हालत में एलेक्स को लाया जाता है और वहाँ विंसेंट उसे देखता है और वहाँ डैनी भी होता है और उसने एलेक्स को मारा ये वो बताता है, जिसमें इस चीज़ से विंसेंट भड़क जाता है और वहाँ दोनों लड़ने लगते हैं और फिर विंसेंट एलेक्स के पास आता है और फिर वहाँ एलेक्स को विंसेंट उसकी दवाइयाँ देता है, जिसमें वहाँ एलेक्स को सिर्फ जेनी को मारना है ये वो बताता है और वहाँ विंसेंट बोलता है कि उसके सबूत से कहीं भी जेनी गुनहगार साबित नहीं होती, लेकिन सभी चीज़ों के पीछे वही थी ये एलेक्स बोलता है, जिसमें उसी ने एलेक्स को कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर लगाया था लेकिन उसे ये चीज़ नहीं पता थी कि एलेक्स बच्चों को नहीं मारता। दूसरी तरफ जेनी एक डॉक्टर से मिलती है और वो उसके काफ़ी करीब है ये वो बताता है और वहाँ जेनी उसे जाकर एलेक्स को मार देने कहती है, जिसमें वो डॉक्टर मना करता है और वहाँ जेनी को उसके सारे कांड पता है और वो उसे जेल भेज सकती है ये बोलती है, तब डॉक्टर उसके काम के लिए तैयार हो जाता है और फिर एलेक्स अपना पूरा बयान देता है, जिसमें इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये विंसेंट बताता है, क्योंकि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और अदालत में उसकी गवाही काम नहीं आ सकती और वहाँ एलेक्स को जेनी को सज़ा दिलानी होती है, जिसमें ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है ये विंसेंट बताता है, जिसमें वो बोलता है कि कुछ दिनों पहले एक आदमी ने अपनी कार से एक औरत और उसकी बेटी को कुचल दिया और वो काफ़ी पैसे वाला था और ऐसी हालत में भी वो पैसे देकर छूट गया। असल में इन पैसे वाले लोगों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और लोगों को न्याय दिलाना भी काफ़ी मुश्किल है, जिसमें एलेक्स समझ जाता है कि विंसेंट अपनी पत्नी और बेटी के बारे में बता रहा है और वो काफ़ी दुखी होता है और वहाँ एलेक्स के पास और एक सबूत है ये वो बताता है, जिसमें उसके पास जोसेफ और जेनी की रिकॉर्डिंग होती है लेकिन उसने वो कहाँ छुपाई ये चीज़ उसे याद नहीं होती। और फिर विंसेंट और गेराल्ड आकर उनके चीफ को चैट का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो भड़क जाता है और वहाँ विंसेंट इस चीज़ के लिए जेनी को सज़ा दिलाने कहता है, जिसमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ये चीफ बोलता है और वहाँ विंसेंट एलेक्स के बारे में बताता है, जिसमें वो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर की गवाही नहीं ले सकते ये चीफ बोलता है और वहाँ विंसेंट बोलता है कि एलेक्स के पास कोई रिकॉर्डिंग है जिससे वो लोग जेनी को गुनहगार साबित कर सकते हैं, जिसमें चीफ उसे जल्द से जल्द ढूंढने कहता है और तब विंसेंट वहाँ से निकलता है और फिर एलेक्स इस चीज़ को याद करने में लगा होता है और वहाँ विंसेंट उसे आकर जल्दी से याद करने कहता है, जिसमें ये चीज़ उसे याद नहीं आती और उसके बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते ये विंसेंट बताता है। और फिर रात को एक डॉक्टर आगे बढ़ता है और वो एलेक्स के कमरे में आता है, जिसमें एलेक्स सोया होता है और वहीं पर वो डॉक्टर उसे जहर देने जाता है और तब एलेक्स उसे पकड़ लेता है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स आते हैं और फिर वहाँ विंसेंट भी आगे बढ़ता है और वो एक गाड़ी में आता है, जिसमें चीफ बताता है कि एलेक्स ने किसी को बंदी बना लिया है और वहाँ विंसेंट देखता है कि एलेक्स ने डॉक्टर को पकड़ा हुआ है
और वहाँ चीफ बोलता है कि एलेक्स को सिर्फ विंसेंट से बात करनी है। और तब विंसेंट एक कार में बैठकर हॉस्पिटल के दरवाजे के पास आता है, जिसमें वो देखता है कि काफ़ी सारे सैनिक एलेक्स को मारने के लिए तैयार हैं, जिसमें वहाँ एलेक्स और डॉक्टर बाहर आते हैं। और फिर वहाँ एलेक्स डॉक्टर को मार देता है और वो विंसेंट के पास आकर बैठ जाता है और वो बताता है कि जेनी ने उसे मारने के लिए डॉक्टर को भेजा था। और फिर वो विंसेंट को वहाँ से बाहर निकलने कहता है, जिसमें बाकी सैनिक गाड़ी के टायर्स को पंचर कर देते हैं। और तब वहाँ एलेक्स बोलता है कि उसे रिकॉर्डिंग के बारे में याद है और वो BERY लेटर्स बोलता है। और वहाँ से वो माया का बदला लेने के लिए विंसेंट को कहता है और फिर वो कार से निकलता है, जिसमें वहीं पर सैनिक उसे मार देते हैं। और इस चीज़ से विंसेंट काफ़ी दुखी होता है और फिर वो बाहर आकर एलेक्स को देखता है। और फिर एक दिन के बाद विंसेंट अपने सारे केस के पेपर्स को निकाल रहा होता है, जिसमें ये केस अब बंद हो चुका होता है। और अब विंसेंट और सारा वहाँ से निकल रहे होते हैं और वहीं पर विंसेंट को एक फ़ोटो में एलेक्स का घर दिखता है, जिसमें उसके ऊपर BERY लिखा होता है। और वो बोलता है कि एलेक्स को याद आ गया था कि रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। और फिर एलेक्स उस जगह पर आकर वहाँ पर लेटर्स चेक करता है, जिसमें उसे एक पेन ड्राइव मिलता है और उसे वो सारा को देता है। और फिर वो लोग रिकॉर्डिंग चीफ को सुनाते हैं और वहाँ चीफ बोलता है कि ये चीज़ काफ़ी नहीं है, जिसमें वो लोग क्लियर बातें नहीं कर रहे। और तब वहाँ विंसेंट भड़क जाता है, जिसमें चीफ बताता है कि अब एलेक्स भी जिंदा नहीं है और इसी वजह से उनके केस जीतने के चांसेस काफ़ी कम है और जेनी के पास काफ़ी पैसा है, इसी वजह से वो सजा से ज़रूर बच सकती है। वहाँ विंसेंट बोलता है कि जेनी के चलते ही आया मारी गई है। तब गेराल्ट उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आराम करने कहता है और तब विंसेंट वहाँ से निकल जाता है। और फिर रात को हमें जेनी अपने घर पर कार्ड्स खेलती हुई नजर आती है, जिसमें वो वाइन लेकर पीती है। और वहीं पर एक आदमी उसके गले को काट देता है, जिसमें जेनी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। दूसरी तरफ सारा और विंसेंट एक क्लब में आते हैं, जिसमें वो दोनों को काफ़ी बड़ी छुट्टी मिली होती है। और फिर दोनों क्लब में ड्रिंक्स लेते हैं और वहाँ सारा विंसेंट को और दारू पीने कहती है। और फिर दोनों टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जिसमें जेनी मर चुकी होती है, इस चीज़ के बारे में पता चलता है। और इस चीज़ से सारा खुश होती है और वहाँ विंसेंट सारा को देखता है और वहाँ सारा बताती है कि वो उसे यही दिखाने के लिए वहाँ पर लाई थी, जिसमें अब उनकी छुट्टियाँ अच्छे से जा सकती हैं। और फिर एक जगह पर हमें वो कातिल नजर आता है, जो कि अपने कपड़े और चाकू को जला देता है। असल में वो यूगो होता है, जिसमें वो उस जगह से अपनी कार लेकर निकलता है। और इसी के साथ ये काफ़ी शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है FreshMojoIndia।